जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत से? तो ये जी आज का हमारा जो लेक्चर है, ये एज यू कैन सी कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनका पॉलिटिकल ये सिस्टम है। और स्टूडेंट्स जो है उनको काफ़ी इसमें टेंशन होती है कि इसको कैसे करना है और क्या थोड़ा टेक्निकल है। तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग जो है, अगर ईरान को बहुत अच्छा समझना चाहते हैं, तो आप ईरान के जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझ लीजिए। और उसमें भी सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको ईरान की जो आइडियोलॉजी है उसका पता होना चाहिए। ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो है शिया इस्लाम, ठीक है? ये उनकी ऑफिशियल जो स्टेट है उसकी ये आइडियोलॉजी है, नंबर वन। और दूसरी चीज जो है, ईरान 1979 से पहले, रेवोल्यूशन ऑफ ईरान जिसको आप कहते हैं, उससे पहले ईरान जो था वो एक क्लासिकल मोनार्की था। जिस तरह के दुनिया के किसी भी मुल्क में एक मोनार्क होता है, किंग होता है, बिल्कुल उसी तरह इट वाज अ क्लासिकल मोनार्की। लेकिन 79 के बाद ये कंट्री जो है ये चेंज हुआ है। उसके बाद जी आप 4 से 5 में आपको टर्म्स दे रहा हूँ, वो टर्म्स आप अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आपको ईरान को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ राइटर्स हैं वो ईरान को कहते हैं कि इट इज डेमोक्रेटिक थियोक्रेसी, डेमोक्रेटिक थियोक्रेसी। कुछ राइटर्स हैं वो ईरान को कहते हैं कि इट इज एन ओलिगार्किक थियोक्रेसी, ठीक है जी, ओलिगार्किक थियोक्रेसी। और कुछ लोग जो हैं, कुछ राइटर्स जो हैं, वो इसको रिलीजियस टायरनी कहते हैं, रिलीजियस टायरनी। और कुछ राइटर्स जो हैं वो इसको मुल्लोक्रेसी कहते हैं, मुल्ला से ना, MULLO, मुल्लोक्रेसी, ठीक है, रूल बाय द मुल्लाज, ठीक है। लेकिन अगर हम इन तीनों चारों मॉडल्स को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड अगर कर रहे हैं, तो आपको एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर नजर आएगी कि ईरान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें तीन एलिमेंट्स तो लाजमी हैं। नंबर वन, ओलिगार्की का एलिमेंट है जी, नंबर टू थियोक्रेसी का एलिमेंट है, थियोक्रेटिक एलिमेंट है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जी। और नंबर थ्री, इसमें जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है वो भी मौजूद है, जो डेमोक्रेसी के कुछ असूल हैं वो भी यहां पर फॉलो होते हैं। तो ये जी आपका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये इसके साथ हो गया है। और अब आपको थोड़ा सा मैं ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कुछ और डायनेमिक्स भी बता दूं। ईरान एक यूनिटरी स्टेट है, ठीक है जी। और नंबर टू, यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, ये कह लें कि उन दोनों का ब्लेंड है, लेकिन इनका जो लार्जर टिल्ट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों के अपनी जगह पर मौजूद हैं जी। क्लियर हो गया? चलें जी, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं जी और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है जी सुप्रीम लीडर जी, सुप्रीम लीडर अगर आप मुझसे कहते हैं कि इसका इजीएस्ट जो रूट है इसको अंडरस्टैंड करने का, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं,
लेकिन ये एक्यूरेटली वो चीज नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी जो रिजेम्बलेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं वो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है, ये कह लीजिए कि सॉर्ट ऑफ एक वो पर्सन है जो पूरी नेशन को एज अ कम्युनिटी गाइड भी करता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो लाइफ है उन दोनों को चलाता है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप ये समझ लीजिए कि जब से ईरान बना है, यानी कि न्यू ईरान 79 के बाद जो आया, अभी तक दूसरा जो सुप्रीम लीडर है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या जो है वो रोल है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम लीडर करता क्या है। असल तो कहानी ये है ना कि सुप्रीम लीडर जो है उसके फंक्शंस क्या हैं और उसका इस सिस्टम के अंदर रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स एक लंबी फहरिस्त है सुप्रीम लीडर के हवाले से, ठीक है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जनरल पॉलिसीज हैं जी, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की जो डिलिनेशन है, सुपरविजन है, वो सुप्रीम लीडर के पास है। यानी कि ओवरऑल जो आउटलुक है ईरान की वो डिटरमिन करनी है सुप्रीम लीडर ने। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि जितनी भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं और जितनी भी आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज, ओवरऑल उन दोनों को जो जेनेरिक अप्रूवल मिलना है, जो गाइडेंस मिलनी है, जो सोच है, वो सुप्रीम लीडर जो है वो डिटरमिन करेगा। सुप्रीम लीडर साहब जो हैं ये कमांडर इन चीफ भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी हैं। उसके बाद नंबर फोर, जितना भी यहाँ का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क है जी, उसके ऊपर भी सुप्रीम लीडर जो है उसका क्या है, कंट्रोल है जी। उसके बाद जी, जितने भी आपकी जो जुडिशरी है और खास तौर पर जो हायर जुडिशरी है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करना, उनको डिसमिस करना, ये भी जो है ये सुप्रीम लीडर का ही काम है, ठीक है जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हेड ऑफ जुडिशरी है, एक तो हायर जुडिशियल है और एक हेड ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, उसको भी सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है, हेड ऑफ जुडिशरी को जी। उसके बाद जितने, और इसकी मुद्दत 8 साल होती है, 8 इयर्स के लिए ये इनको अपॉइंट करता है, 8 इयर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो यहाँ का रेडियो और टेलीविजन का नेटवर्क है जी, रेडियो एंड टीवी टेलीविजन का हेड है, उसको भी सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अच्छा जी, इनकी ना एक काउंसिल है, ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, काउंसिल ऑफ गार्डियंस, COG, काउंसिल ऑफ गार्डियंस। इसके टोटल 12 मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो 6 मेंबर्स है ना वो सुप्रीम लीडर जो है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है। तो 12 में से जो 6 लीडर है, ठीक है, वो ये सुप्रीम लीडर जो है ये अपॉइंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर जो इनकी आर्म फोर्सेस हैं उनके अंदर आगे दो तरह की फोर्सेस हैं, एक तो रेगुलर फोर्स है और एक जो है यहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ठीक है, ये एक स्पेशल फोर्स है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो इनको कहते हैं IRGC, ठीक है, IRGC। तो इसका भी जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर ऑफ IRGC, उसको भी यही अपॉइंट करता है। ऊपर हमने बात की कि आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ खुद ये है, और जो IRGC है उसका भी जो सुप्रीम कमांडर है वो ये आपके जो सुप्रीम लीडर साहब हैं इन्होंने ही क्या करना है, अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं आपका इंस्टीट्यूट है जो कि सुप्रीम लीडर है, और ये लाइफ टाइम होता है,
ठीक है, लाइफ टाइम होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पिछले कोई तकरीबन 50 ईयर्स में तक कोई दूसरा ये लीडर है जो कि अभी तक जो है वो चल रहा है। क्लियर होगी बात? तो इस पर और भी बात होगी, लेकिन जब हम बाकी इदारों को भी पढ़ेंगे तो फिर उनके तनासुब से, उसके पर्सपेक्टिव से इस पर और बात होगी। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसमें अभी और पॉइंट भी ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज भी, वो खैर आगे चल के डिस्कस करनी थी, लेकिन दोबारा, ये प्रेसिडेंट जो है ईरान का, ये उसको इम्पीच भी कर सकता है। सुप्रीम लीडर कैन इम्पीच द इरानियन प्रेसिडेंट। जी, अब हम आएंगे ईरान की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, उसमें सबसे ज्यादा पावर तो आपको पता चलेगी वो सुप्रीम लीडर के पास है। दूसरे नंबर पर आपको जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कमांड होनी चाहिए, या आप सही तरह से अगर समझना चाहते हैं तो वो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी जो ईरान में है, ठीक है, वो है यहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब के बारे में आप कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो मैक्सिमम 2 टर्म्स ले सकते हैं, 2 टर्म्स। ठीक है जी। नंबर टू, जो प्रेसिडेंट है ये यहां पर, इसका जो ऑफिशियल ओहदा है वो चीफ एग्जेक्टिव का है, यानी कि जो एग्जेक्टिव पावर है, ठीक है जी, वो प्रेसिडेंट के पास है। और इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका ओहदा रखने की भी यहां पर प्रेसिडेंट के साथ अलाउ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने पहले भी कहा था कि ये सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है ईरान के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये ईरान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको शेप करना, उसको डिटरमिन करना, इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं उनको डील करना, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, ठीक है, ये ईरानियन प्रेसिडेंट जो है ये इसका रोल है। उसके बाद अगर हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट होता है, आप सबको पता है कि डायरेक्टली इलेक्ट होता है, जी, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ ईरान। और जो हम पीछे बात कर रहे थे कि इसमें ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी है, तो ये उसकी एक अब हमारे सामने एग्जांपल आ गई। और इसके लिए जी एक मेथड है, उसको बोलते हैं सिंगल, जी, सिंगल मेजॉरिटी, जी, सिंगल मेजॉरिटी थ्रू जनरल इलेक्शंस। ठीक है, जिस तरह टर्की में होता है ना, या फ्रांस में होता है, कि आपको 2 दफा भी इलेक्शन में बात करनी पड़ सकती है। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% मेजोरिटी नहीं लेता तो री इलेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली टर्की में हुए भी हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो खड़े होंगे, और जो कैंडिडेट भी मेजोरिटी वोट हासिल कर जाएगा, ठीक है, वो ईरान का जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाएगा। ठीक है, और अगली बात जो है, मैंने पहले भी बात कर ली कि इसकी जो इम्पीचमेंट है, जी, प्रेसिडेंट साहब की जो इम्पीचमेंट है, ये जो यहाँ के सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर जो कि हमने पहले डिस्कस भी कर लिया, वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके इलेक्शन का मैं बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और अगली बात, जितनी भी एग्जेक्टिव पावर्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, एग्जेक्टिव हेड हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जेक्टिव हेड्स हैं, एग्जेक्टिव पावर्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो किसके पास है, जी, वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अभी इसमें अगेन, इसमें भी और इसमें भी और पॉइंट भी आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम एक आधा अदारा और पढ़ेंगे तो फिर इनकी फर्दर जो डिटेल है, फर्दर जो पावर्स हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जी, एक और, जी, एक और हमने यहां पर डिस्कशन करनी है, और
जी वो हम करेंगे जी। एक और हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है, एक और इदारा है छोटा सा, वो इसी के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, और उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जी अब हम अगर बात करें तो टोटल इनकी जो मेंबरशिप है वो 22 होती है जी, 22 जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको आप कैबिनेट कहते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के साथ, ये इसे थोड़ा मैं अलग डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ना ये अलग से भी जेन में रहे, और प्रेसिडेंट के साथ तो फिर इसके रिलेशन पड़ते ही पड़ते हैं ना, ठीक है। तो ये तकरीबन जी 22 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है कैबिनेट, ठीक है जी। और जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो इस कैबिनेट का हेड होता है, हेड ऑफ कैबिनेट है, तो इसको आप कैबिनेट में भी लिख लीजिए और प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है उसमें भी लिख लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेसिडेंट है वो, आपने पॉइंट अभी पढ़ा था, कमांडर इन चीफ कौन होता है, सुप्रीम लीडर आर्म्ड फोर्सेस का, तो जो प्रेसिडेंट है ये डिप्टी कमांडर इन चीफ है, डिप्टी कमांडर इन चीफ, यानी कि सुप्रीम लीडर जो है वो कमांडर इन चीफ है, और ये जो प्रेसिडेंट साहब है ये डिप्टी कमांडर इन चीफ है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और इदारा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि दुनिया के तकरीबन मेजोरिटी कंट्रीज में होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, तो ये प्रेसिडेंट जो है ये इसका हेड भी है जी, हेड भी है, ठीक है। और उसके बाद ये कैबिनेट और प्रेसिडेंट जो है ये मिलके बजट को भी रेटिफाई करते हैं जी, रेटिफाई द बजट, ठीक है। और इनकी एग्जेक्टिव पावर्स में ये वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर डिक्लेरेशन की जो पावर है वो भी है इनके पास, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये मार्शल लॉ अगर डिक्लेयर करना पड़े, ठीक है, तो ये मार्शल लॉ को भी जो डिक्लेयर करने की पावर है वो इनके पास। तो ये कुछ बातें जो प्रेसिडेंट के रेलिवेंट हैं, जो कि आपको माइंड में रखनी है, ये आपको काफी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर डन विद द सुप्रीम लीडर, ये एक इदारा है, और दूसरा इदारा है प्रेसिडेंट का। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हमें जिस इदारे की तरफ जाना है, ये इदारा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर जो है वो प्रेफरेंस दी है, कि अगर आप इन दोनों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी काउंसिल ऑफ गार्डियंस, काउंसिल ऑफ गार्डियंस, ठीक है, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ की पार्लियामेंट, क्योंकि काउंसिल ऑफ गार्डियंस जो है वो उसका बहुत गहरा रिलेशन है विद द पार्लियामेंट जी। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ गार्डियंस की, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर इस ये क्या है, तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि इसके अंदर जो है वो 12 ज्यूरिस्ट्स हैं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिस्ट्स, 12 मेंबर्स भी हम कह सकते हैं, बट हम कह रहे हैं 12 ज्यूरिस्ट, दैट मीन्स कि दीज पीपल आर स्पेशलाइज्ड पीपल, दीज पीपल आर स्पेशलाइज्ड पीपल, जिनका लॉ के ऊपर, फिका के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, बड़ी लॉ के ऊपर पूरी कमांड है, तो दीज पीपल आर जो है वो ये दे आर एक्सपर्ट्स। इनकी तादाद 12 है, ठीक है, और 12 में से स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, भूलेंगे नहीं, 6 किसने अपॉइंट किए, 6 किए थे सुप्रीम लीडर ने, ठीक है, और 6 किसने किए, 6 किए हैं जी जुडिशरी ने, ठीक है, 6 किए हैं जुडिशरी ने, लेकिन जब जुडिशरी ये अपॉइंट करेगी तो उसके साथ साथ वो इन 6 मेंबर्स का जो अप्रूवल है वो लेगी पार्लियामेंट से जी, 6 अरकान की जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट से आएगी, लेकिन अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, जुडिशरी के पास, और 6 को सुप्रीम लीडर करेगा, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे जी, 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगली बात, अब आते हैं कि इनका काम क्या है, तो
तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है ना कि ये आपको बड़ी जरूरी है समझने के लिए। और वो ये है कि इन्होंने डिटरमिन करना है, कंपैटिबिलिटी डिटरमिन करनी है कि हु कैन रन फॉर द पब्लिक ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट का कैंडिडेचर, यानी कि वो एलिजिबल है या नहीं है। चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका कैंडिडेचर है या नहीं है, कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है, ठीक है, वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको उसका जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, उनको जब तक काउंसिल ऑफ गार्डियन से अप्रूवल नहीं होगा, वो तब तक ईरान में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि इनका काम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगली चीज वो ये है कि ये लोग जो है पार्लियामेंट के ऊपर वीटो पावर रखते हैं। जी, वीटो पावर ओवर पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है, ठीक है, तो उसको सुपरसीड करना, उसको उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, या उसको जो है वीटो कर देना, ये ऑल टुगेदर पावर है काउंसिल ऑफ गार्डियंस की। और अगली बात, वहां की जो असेंबली है या पार्लियामेंट है, उसके जितने भी इलेक्शंस के मैटर्स हैं, उनकी जो सुपरविजन है, जी, उनकी जो सुपरविजन है वो भी किसके पास है, वो भी काउंसिल ऑफ गार्डियन के पास है। तो इस इदारे की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि ये जो है ये इसको पार्लियामेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। और अगली बात, ये ओवरऑल जितने भी इलेक्शन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका जो कैंडिडेचर है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनका जो करेक्टर है, उस सारे की असेसमेंट जो है वो काउंसिल ऑफ गार्डियंस के पास है। ठीक, और इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ गार्डियंस जो है, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जी, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्पीकर असेंबली का इलेक्शन हो, जी, चाहे स्पीकर का इलेक्शन हो, चाहे यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, ठीक है, चाहे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हो, ठीक है, चाहे इनका रेवोल्यूशनरी गार्ड हो, तो इन तमाम की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो काउंसिल ऑफ गार्डियंस जो है उनके अप्रूवल के बगैर नामुकम्मल है। ठीक है, चले जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और इसी इसी जो हमारी डिस्कशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमने जो चौथा बड़ा इदारा है, जी, जो कि आपको ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना, वो है यहाँ की पार्लियामेंट। जी, पार्लियामेंट, जी, और जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके हवाले से तीन चार चीजें याद रख लीजिए। एक तो इसका नाम जो है ना वो आपने भूलना नहीं है, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली इसको कहते हैं, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है जी, मजलिसे शूराए इस्लामी, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, ये इसका नाम है। ठीक है, और ये पहली चीज यूनी कैमरल है, जी, यूनी कैमरल है। दूसरी चीज इसकी जो टर्म है वो 4 इयर्स है, 4 इयर्स, और इसके टोटल जो अरकान है उनकी तादाद है 290। ठीक है, और ये जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह प्रेसिडेंट के जितने भी एक्शंस हैं, जी, प्रेसिडेंट के जितने भी एक्शंस हैं, ये उनको क्या करती है, उनको अप्रूव करती है, रेटिफाई करती है, रेटिफिकेशन ऑफ ऑल प्रेसिडेंशियल एक्शंस, यानी कि पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास है, जी, पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन जो रेटिफिकेशन है, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल एक्शंस को जो पार्लियामेंट है वो देगी। और जैसे कि हमने बात की थी कि
प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन कर सकता है? सुप्रीम लीडर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो भी क्या कर सकती है? वो भी इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को, और इसके लिए इनको 1/3 जो मेजोरिटी है वो रिक्वायर है। और ना सिर्फ प्रेसिडेंट को बल्कि उसके साथ साथ ये जो कैबिनेट है उसको भी इम्पीच कर सकती है। और जहां तक बात है अपना इनकी पावर्स की, तो आप सबको पता होना चाहिए सिंस इट इज अ पार्लियामेंट, तो जितनी भी लेजिस्लेशन है, ठीक है, अमेंडमेंट्स हैं या लॉज हैं, वो सबको क्रिएट करना, पास करना, अमेंड करना, रिपील करना, वो सारी पावर जो है वो ईरान की इस इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली यानी कि मजलिसे शूराए इस्लामी जो है ये उसके पास है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इदारा है, उसके बारे में भी आपसे बात करनी है, ठीक है, और उसके बगैर भी ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको नहीं होगी। इसको बोलते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये काउंसिल ऑफ गार्डियन से डिफरेंट है, उसके रोल्स डिफरेंट है, ठीक है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो चले पहले हम टर्म पे बात कर लेते हैं, इनकी एक तो 8 ईयर्स जो है वो टर्म होती है, 8 ईयर्स टर्म होती है, ठीक है। अच्छा, इनका ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सुप्रीम लीडर जो है ना, ये उसको अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम लीडर। अब यहां पर टेक्निकल बात है, मसला ये है कि सुप्रीम लीडर को अगर आपने अपॉइंट करना है, इसका मतलब है उसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना कि 5 साल बाद वो अपॉइंट होगा, 6 साल बाद होगा। तो अगर पिछले 50 ईयर्स में जी दूसरा सुप्रीम लीडर है, तो टेक्निकली ये पावर इनके पास ही है। जब भी अगला सुप्रीम लीडर आएगा, वो असेंबली ऑफ जो एक्सपर्ट्स होती है, बड़े सीजन आदमी होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही अपॉइंट होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, इसका आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि इसके अंदर तकरीबन 88 जो बड़े वर्चुअस, ठीक है जी, वर्चुअस और बड़े जो है लर्नेड क्लरिक्स हैं, ठीक है, क्लरिक्स जो रिलीजियस, वो इसका हिस्सा है, ठीक है जी, वो इसका हिस्सा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी सुप्रीम लीडर आगे नया अपॉइंट होगा, उसको इलेक्ट करना होगा, तो जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो कौन प्ले करेगी? वो असेंबली ऑफ जो एक्सपर्ट्स है वही करेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अगर कंट्री के अंदर कभी भी सीक्रेट एक्ट के तहत आपने किसी का ट्रायल करना है, सीक्रेट एक्ट, ठीक है, ठीक है, जिसमें कोई गद्दारी वगैरह की भी चीजें शामिल हो सकती हैं, ठीक है, तो उसकी जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो उसके पास है, ठीक है। तो बड़ा वाजे फर्क आपको नजर आ रहा है काउंसिल ऑफ गार्डियंस, ठीक है, और इसके दरमियान। तो इसलिए फिर इन दोनों इदारों को जो है वो हमने क्या करना है, अलग अलग देखना है। और एक और वर्ड जो कि वैसे तो उसमें सवाल तो कभी भी नहीं आता, लेकिन टेक्निकली आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको सहूलत रहे। आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर दो तरह की है। एक वो है जो जिसको रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं या रेगुलर आर्मी कहते हैं, जिस तरह दुनिया की किसी भी कंट्री की आर्मी होती है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। और इनके फंक्शन भी वही है, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। लेकिन एक जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये समझ लीजिए एक स्पेशल फोर्स है, ठीक है। और इनका काम क्या है, ये सॉरी, इनका लीडर कौन है? लीडर भी पहले मैं बता चुका हूँ, सुप्रीम लीडर है। और इनका काम ये है कि इन्होंने कू नहीं होने देना, यानी कि इन्होंने किसी भी किस्म की जो मुल्क के अंदर बगावत है, मुल्क के अंदर कोई अदम इस्तेकाम है, या सुप्रीम लीडर को कोई खतरा है, इनका स्पेशल काम है कि इन्होंने उसको क्या करना है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना है और उसको जो है वो लेकर चलना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कंक्लूड करें,
तो हमें यहां पर इलेक्शंस भी नजर आए, हमें यहां पर जो सुप्रीम लीडर के अलावा बाकी इदारे हैं उनके अंदर भी जितने भी रिलीजियस क्लैरिक्स हैं, ठीक है, उनकी जो पावर्स हैं वो हमें यहां पर नजर आई, ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी हमारी टॉप पोजीशंस हैं उनके अंदर बड़े बड़े पावरफुल वो लोग जो रिच हैं, ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक हैं, ओलिगार्क्स हैं, ठीक है, वो भी इस सिस्टम का क्या है, पार्ट है। तो ये जी था ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम और भी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो ये आप इस नंबर पे भी रابطہ कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल का नाम आप सबको आइडिया होगा, मोहम्मद वकास नवाज, ठीक है। और इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कुछ और भी वीडियोस आनी है तो वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिए। और अगर किसी स्टूडेंट को, चाहे ओल्ड स्टूडेंट है या न्यू स्टूडेंट है, तो कोई भी टेक्निकलिटी समझ ना आए, प्रॉब्लम ना आए, तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू।